गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो नया COVID-19 का जो नया वेरिएंट है, ये बहुत ही इन्फेक्शियस है और इसने मुझे री इन्फेक्ट भी किया एक्चुअली। ठीक है, आपको लग रहा, कई लोगों को लग रहा था कि सर पिछले कुछ दिनों से इवनिंग का कंसल्टेशन कॉल भी नहीं उठा रहे हैं और सर थोड़ा सा कम कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसके पीछे कारण ये था कि मैं पिछले कुछ दिनों से 10-15 दिनों से जो है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब जो काम बहुत था मेरे पास में, काफी वर्क प्रेशर था मेरे ऊपर, लेकिन तब भी मुझे थोड़ा वीकनेस टाइप का फील हुआ। मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं जो है वो नॉर्मल जैसा लगता है, एनर्जी लेवल उससे डाउन है कुछ, और थोड़ा सा मैं चिड़चिड़ा भी हो रहा हूं। ठीक है, और हालांकि मैं कई बार जब मेरे को बहुत स्ट्रेस होता है, काम होता है, तो थोड़ा कोई भी नेचुरल बात है, थोड़ा चिड़चिड़ा व्यक्ति हो जाता है। तो मैंने जो है बीच में एक RT-PCR टेस्ट कराया मैंने, लेकिन वो RT-PCR जो टेस्ट था, वो टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आ पाया। कारण उसके पीछे था कि सैंपल उसका जो है वो खराब हो गया था, उसका मिसहैंडलिंग में सैंपल खराब हो गया। और बॉम्बे में भी क्या दिक्कत है कि RT-PCR टेस्ट के लिए ना, वो आप बोलते हैं 2 दिन बाद व्यक्ति आता है, 4 दिन बाद रिपोर्ट आता है उसका। तो फिर मैंने ब्लड टेस्ट कराया, कुछ अपने एंटीबॉडी टेस्ट कराया, सब कराया, तो मालूम चला सरप्राइजिंगली रिपोर्ट में कि मुझे जो है COVID-19 दोबारा हुआ, और वो होकर जो है वो पिछले कुछ दिनों पहले वो चला गया। ठीक है, और ये बात अलग है कि मैं अपने घर में जो है, जब चूंकि मैं बाहर जाता हूं, जाके कुछ पेशेंट भी देख रहा था मैं, अपने टेक केयर कर रहा था, इसलिए जो है वो मुझे, मैं घर में सबसे दूरी बनाकर रखा हुआ था, प्रिकॉशन पूरे घर में लिया करता था मैं, तो किसी और को घर में नहीं हुआ। लेकिन ये है कि हाँ, मैंने इन्फेक्शन को ग्रास्प किया, मेरी बॉडी में चूंकि पहले एक बार इन्फेक्शन हो चुका था, तो उसके कुछ एंटीबॉडी बचे होंगे, जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड किया होगा वहां पर, और इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्ड करने पर जो सेकंड टाइम जो इन्फेक्शन हुआ वो मुझे मालूम ज्यादा नहीं पड़ा। ये बात जरूर है कि मुझे 2-3 सिम्टम आए, जैसे कि थोड़ा गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस रहा। सेकेंड सिम्टम मुझे ये आया कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ना थोड़ा वीकनेस, जिसे बोलते हैं कि बॉडी एक वीकनेस, हल्का सा बुखार, मन ऐसा लगना कि जो टेम्परेचर आता नहीं पा, अंदर हरारत बोलते हैं इसको, वो फील हुआ मुझे। तो मुझे मतलब ऐसा लगा था कि मतलब कि मैं समहाउ आई एम नॉट वेल, तो मुझे लगा कि इतना पेशेंट है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, मेंटल प्रेशर बहुत होता है, आप सुनते हैं ये हो गया, इस पेशेंट का ये करना है, उस पेशेंट का वो करना, तो वो मुझे लगा संभवतः वो होगा। पर सरप्राइजिंगली जब मैंने एंटीबॉडी टाइटर कराया, तो उसमें IgM, IgA सारे एंटीबॉडी का लेवल बहुत ऊपर आया हुआ था, तो एकदम स्पाइक था। मतलब इस समय मुझे वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। और अभी हाल ही में मेरा बॉम्बे में वैक्सीन नहीं था, जब वैक्सीन अरेंज हुआ तो मैंने सोचा कि चलो वैक्सीन लगवाने के पहले एक बार टेस्ट तो करा ले, अपनी अंदरूनी हालत तो समझ ले। मालूम चला कि अभी हाल ही में इन्फेक्शन से जो है वो उभरे। मतलब कई लोगों में इन्फेक्शन जो है वो बिल्कुल मामूली सिम्टम देकर जो है वो जा रहा है वो, लेकिन उसका असर आज भी थी। मैं आपसे बोलूँ कि आज भी आप मुझसे बोलेंगे कि सर चलिए 1-2-3 किलोमीटर का वॉक करते हैं, नॉर्मली मैं एक दिन में 10 किलोमीटर तक का वॉक कर लेता हूं एक बार के, तो आप मुझसे बोलेंगे सर 2-3 किलोमीटर वॉक करना, मैं बोलूंगा यार अभी नहीं, अभी मेरे को पता नहीं, ठीक नहीं लग रहा है। मेरा जो फिटनेस ट्रेनर है, जो मुझे अभी तो वीडियो पे करवाता है मुझे फिट, मुझे वेट ट्रेनिंग वगैरह, तो वो भी बोला सर वेट कम क्यों उठा रहे हैं आप, थोड़ा ज्यादा वेट उठाओ। तो मैंने उसको बुलाया, पता नहीं क्यों वीकनेस सा फील हो रहा है मुझे, इसलिए मैं अभी कम वेट से करूंगा, क्योंकि लग गया तो फिर कहां जाएंगे भी, है ना। अभी वो कई बार वेट लग भी जाते हैं, 2 बार इंजुरी भी हुआ है उससे। तो फिर तो कहने का मतलब ये कि इट इज हाईली कॉन्टाजियस। हम लोग सारे प्रिकॉशन लेते हैं, शील्ड लगाते हैं, N95 मास्क लगाते हैं, ऊपर एक सर्जिकल मास्क लगाते हैं, डबल मास्किंग करते हैं, शील्ड लगाते हैं, ग्लव्स भी पहनते हैं ताकि संपर्क में ना आए, के ग्लव्स को डिस्कार्ड भी करते हैं, पीपी किट भी पहनते हैं, सब कुछ करते हैं। पर कहां से इन्फेक्शन आएगा कुछ कहना मुश्किल है, कहां से आएगा कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। इतने प्रिकॉशन रखने के बावजूद जो है वो कहीं से पकड़ लिया, ग्रास्प हो गया, कहां से आया नहीं पता आज भी। पैंडेमिक का यही है कि जब इस लेवल पे होती तो कहीं से बजाती, इसलिए मैं कहता हूं कि आप सब लोग भी ध्यान रखिए अपना। अब ये तो बात बताई मैंने मेरी कि भैया मेरी खुद के सेहत के बारे में। आप लोगों ने कल वोट दिया, आपने बताया कि सर हमको आपके बारे में जानना भी है, तो ठीक है हम बात करेंगे, है ना। हम कई चीजें मैं आपको अपनी पर्सनल भी शेयर करूंगा। अभी मैं आपको एक अच्छी सी कहानी मैंने कल कहीं सुनी मैंने, और मुझे बड़ी हार्ट को टच करने वाली कहानी लगी वो, कि एक बार एक व्यक्ति होता है जो मृदंग समझते हैं, ढोलक के समान होता है, मृदंग ढोलक के समान होता है, उसमें ऐसा ढोल जैसा होता है, साइड में उसमें जो है वो अपना कुछ जो है वो लेदर का जो लगा होता है वो बजाते हैं लोग, ठीक है, मृदंग बोलते हैं उसको, गूगल कीजिएगा, अपना ढोल जैसी होता है। तो एक व्यक्ति था, वो जंगल में जाके
जंगल में जाके बढ़िया अपना मृदंग लेके जाएगा और जोर से उसे बजाया करता था वो। अब वो जंगल में वो मृदंग बजाता था तो उसी समय पर जैसे ही बजाना शुरू करता था तो एक हिरन का बच्चा कहीं से निकल के आएगा दौड़ता हुआ और उसके सामने आके बैठ जाएगा। और ऐसा कम से कम महीना भर होता रहा। तो वो सोचता था कि यार कि ये जानवर होके भी ये मेरे संगीत से इतना प्रभावित है कि मेरे संगीत से जो है वो जब मैं बजाता हूं तो जानवर सामने आके बैठ जाता है, ये हिरन का बच्चा। तो एक दिन वो सोचता है कि मैं इससे क्यों ना कम्युनिकेट करूं, उसे पूछूं मैं कहां नहीं कम्युनिकेट कर सकता है। तो वो उस हिरन के बच्चे से पूछता है कि ये बताओ कि मेरा मृदंग ज्यादा अच्छा, मैं ज्यादा अच्छा मृदंग बजाता हूं या मैं गाता अच्छा हूं, गाता भी था साथ में, क्या क्या तुम्हें पसंद है, तुम किसके लिए यहां पे आते हो, कि तुम इस मृदंग की मधुर आवाज सुन के यहां आते हो या मैं अच्छा गाता हूं उसको सुन के यहां आते हो, ये मुझे क्लियर करो आज। तो हिरन का बच्चा बोलता है कि आप जो है मुझे आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है कि आप मृदंग अच्छा बजाते हैं या नहीं बजाते हैं मुझे नहीं मालूम, आप अच्छा गाना गाते हैं नहीं गाते हैं मुझे नहीं मालूम, पर इतना मुझे पता है कि इस मृदंग में जो चमड़ा लगा है जिसको आप ठोकते हो वो मेरी माँ का है। मेरी माँ को कभी शिकार किया गया था, शायद वही चमड़ा आपकी इसमें आया है। तो ये जो चमड़ा है जब आप ठोकते हो उसको तो ये चमड़ा मेरी माँ का है। तो मुझे लगता है मेरी माँ मुझे, जब आवाज निकलती इससे तो मुझे लगता है मेरी माँ मुझे बुला रही है और इसलिए मैं सिर्फ अपनी माँ को देखने यहां आता हूं, अपनी माँ के लिए यहां आता हूं। मुझे संगीत समझ नहीं आता पर माँ की आवाज में समझता हूं। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ, वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स फॉर द मदर नेचर, उसके लिए हम बहुत चीजें गलत कर रहे होते हैं। हम जैसे एलिफेंट्स की किलिंग है, हिरन की किलिंग, बहुत सारे, मतलब मैं कई बार सोचता हूं कि यदि वो सब बोल पाते ना, वो जानवर सारे बोल पाते तो आप उनकी चीखें समझकर महसूस कर शायद रह नहीं पाते चैन से। अपनी प्रकृति का हमें सम्मान करना चाहिए। कल मैंने एक पोस्ट भी जो है कम्युनिटी पोस्ट भी डाला, मैंने देखा उसमें कि पेड़ों को काटकर एक ट्रक लेके जा रहा है और दूसरे ट्रक में वहीं पर ऑक्सीजन आ रही है, कम्युनिटी पोस्ट पे है अभी भी। प्रकृति हमारे लिए बहुत जरूरी है। अमेजॉन के फॉरेस्ट जल रहे थे तो ब्राजील ने दुनिया से मदद मांगी कि अमेजॉन के फॉरेस्ट जल रहे हैं, इनको आग बुझाने को मदद करो। कई कंट्री ने कह दिया कि तुम्हारा इंटरनल मामला है। जब ब्राजील के लोग अमेजॉन के फॉरेस्ट काट रहे थे तो लोगों ने कहा कि मत काटो जंगल, तो ब्राजील ने बोला ये हमारा अपना मामला है। साइंटिस्ट कहते रहे कि ब्राजील के अमेजॉन के जो जंगल हैं, जो अफ्रीकन फॉरेस्ट हैं, जो अमेजॉन के जंगल हैं, ये सब जो है धरती के फेफड़े, लंग्स हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइडर हैं, ये कम होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आज हम ये नहीं बोलते कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम हो गई है, पर वो दिन दूर नहीं जब एटमॉस्फेयर के अंदर भी ऑक्सीजन कम होने लगेगी। वो दिन दूर नहीं है जब हम जो है वो बड़ी बड़ी इमारतें बना लेंगे लेकिन हमको जो है वो अपने पीठ पर एक सिलेंडर लादना पड़ेगा जिस पर जिसके अंदर पौधा लगा हुआ, एक पौधा, भैया जितनी ऑक्सीजन छोड़ेगा उतना हम ले पाएंगे। तो वही हमको रैशनल यूज चीजों का यूज करने पर सोचना पड़ेगा। और किसी ने कल एक बड़ा पॉइंट उठाया, किसी ने लिखा उसमें कि सर आप जो है जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो आप, हमने देखा है टेस्ट के एक्सपीरियंस में प्रिंट आउट में आप एक तरफ प्रिंट आउट निकालते हैं, आप दोनों तरफ प्रिंट आउट क्यों नहीं निकालते। एक्चुअली एक तरफ प्रिंट आउट निकलता है, बैक साइड का है वो सारे पेपर जिनका प्रिंट आउट निकलता है सब मेरे पास संभाल रखे होते हैं। जो भी हमारा रफ काम होता है, जो भी हमारा दूसरा काम होता है जिसमें हाथ से लिखना होता है, कुछ कैलकुलेशन करने होते हैं या कोई हमको किसी को कुछ लिख कर देना है, तो वो सारे पेपर जो है वो वापस से जो है उन पेपर का उल्टा करके रिवर्स में जो खाली हिस्सा उसको हम रीयूज करते हैं। हम पेपर्स को बर्बाद नहीं करते क्योंकि आपने देखा उसको और आपने एक प्रकार से तोहमत लगाई कि सर आप भी जंगल कटने के रिस्पॉन्सिबल। नहीं, हम पेपर को यूज करते हैं, बिल्कुल रैशनली यूज करते हैं। हमारे ऑफिस में साफ साफ मेरा इंस्ट्रक्शन है कि आसिफ, हमारे ऑफिस को आसिफ देखते हैं, आसिफ जो प्रिंट आउट निकल गए उन पेपर को लीजिए, उसके बाद उनको वो काटता है बीच में से और छोटे छोटे ऐसे टैग्स बनते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है वो टैग में लिखकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे ऑफिस में एक एक कागज का टुकड़ा जो है वो रैशनल यूज में आता है। इवन हम पेन पेपर, लोग कंजूस समझते हैं हमको ऑफिस में, लेकिन पेंसिल पेन पेपर सबका हम लोग बड़ा रैशनल यूज करते हैं कि नहीं कोई भी चीज बर्बाद नहीं होना चाहिए। इवन कार्डबोर्ड के जो बॉक्स आते हैं उन कोरोगेट बॉक्सेस को भी हम लोग संभाल करते हैं ताकि रीयूज कर सके उनको हम। तो
सबको हमको सोचना पड़ेगा प्रकृति के बारे में। चलिए आज का दिन इतना ही काफी, और पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, मैं रिकवरी मोड पर हूँ थोड़ा सा, जो है मैं अभी मैंने अभी थोड़ा अपना काम भी कम किया है कुछ समय, मैंने अभी जो थोड़ा अपने आपको भी दिया है, क्योंकि कारण ये कि अपनी सेहत ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और वो जरूरी है। और मेरे अंडर में चुकी यहाँ पे कई सारे पेशेंट हैं जिनको मुझे देखना भी पड़ता है, तो अभी फिलहाल तो वीडियो कॉन्सल्ट से ही काम चला रहा हूं मैं। लेकिन ये कि हाँ, है तो समस्या भाई, हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है। आपको जब भी मौका मिले फट से वैक्सीन लगवाएं आप, ठीक है, बिल्कुल ना डरे वैक्सीन से। आपको वैक्सीन जो है वो उसका रिस्क जो है वो कहते हैं भाई 10 मिलियन में से इतने 10 लाख में से 1 मिलियन में से 10 लाख में से एक व्यक्ति को कोई एडवर्स इफेक्ट उसका हो सकता है, लेकिन 9,99,000 को नहीं होगा, और वो भी मामूली इफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन कोरोना वायरस जो है वो 100 में से 4 लोगों पर गंभीर असर डाल रहा है, 2 लोगों की जान ले रहा है, 10 लोगों पर गंभीर असर डाल रहा है, तो ज्यादा परसेंटेज यहां पर। इसलिए प्लीज हैव टेक वैक्सीन and we said all the best.